आज जो नू में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। सर जो ये कहा गया है ना लगातार वहाँ पे कंप्लेंट्स दी जा रही थी, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं किया जा रहा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तभी इतनी? देखिए डाडम में हुआ, मैं स्वयं गया था वहाँ, मैंने कहा जिस प्रकार से पहाड़ की खुदाई की गई है 90 डिग्री पर और वहाँ कुछ आदमी मजदूर भी मरे, बड़े शर्म की बात थी, लेकिन वो वहीं की वहीं रुकी, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस प्रकार से एनजीटी ने कहा कि यमुना का रास्ता बदला गया, तो किसी न कहीं ना किसी न किसी की संरक्षण प्राप्त है। कौन डीजीपी हाँ जाना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी है और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, करनी चाहिए। हाँ हम तो गवर्नर साहब को मिले थे, मैं तो उस टाइम भी कहा था, सवाल इस बात का नहीं है विधायकों को धमकी मिली है, आम आदमी अपना सुरक्षित महसूस कर रहा था, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा सरकार ही नहीं है। तो जब तक ये ऑरा नहीं बदलेगा, सुरक्षित ये कानून व्यवस्था जो है कायम नहीं होगी, चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तो ये प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है, फिर इस किस्म की अपराध बढ़ते रहेंगे। कोई इलीगल माइनिंग नहीं थी काउंसिल। सर जैसे इंसिडेंट हुआ है, वी कैन सी दैट इट्स अ हीनियस क्राइम, ऑफिसर वहां जाते हैं टीम के साथ हाथ देते हैं, उसके बावजूद आपको लगता है कहीं ना कहीं जो इलीगल माइनिंग माफिया उनका इतना हाथ खुल चुका है, दे डोंट बॉदर वेदर इट्स अ पुलिस ऑफिसर और नॉट? अब या तो बेकाबू है या संरक्षण प्राप्त है। ठीक।